जितना कह रहे हो तो थोड़ा सा सुनाई देते हैं, वैसे बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखो होता क्या है लाइफ में ना, हाँ, हर एक के कोई ना कोई एक ऐसा फेज आता है, ठीक है, जब लाइफ में किसी की एंट्री होती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप चाहो या ना चाहो, लेकिन लाइफ में कभी कभी एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो जाती है जिसको देखने के बाद फील आता है कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो नो डाउट है मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जब मैं कॉलेज लाइफ में था, हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट रहा, एक ऐसा वाक्य हुआ कि हाँ मैं किसी को लेकर के थोड़ा सा मतलब मेरे अंदर भी फीलिंग्स थी, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई आगे क्या हुआ, तो आगे ये हुआ बेटा, बहुत सिंपल सी मतलब क्या बताऊं, मुझे बता दे थोड़ी सी ऐसे लगाया लेकिन तुम पूछ रहे हो तो चलो बता देते हैं। अरे कोई नाम मत पूछना क्योंकि नाम लेने से मोहब्बत बदनाम हो जाती है, बात समझ में आ रही है, तो वो मोहब्बत ही क्या जिसको आपने बदनाम कर दिया। तो भैया देखो मैं नाम तो लूंगा नहीं, ऐसा कि बच्चे को कोई काम नहीं रखा है, तुम तो बस बात सुन लो कि हुआ क्या। तो हुआ ये कि ना उस पर्सन को लेकर के, उस इंसान को लेकर के मैं बहुत सीरियस था, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, और वो मेरे लिए किसी भी एंगल से टाइम पास नहीं था, ठीक है। मैं उसको लेकर बहुत, उस इंसान को लेकर, उस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस था, ठीक है। और मैंने आगे की लाइफ में पता नहीं होता है ना, एक उम्र होती है, एज होती है, जब हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो जाते हैं, तो मैं भी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में क्या होता था, बड़ा खोया रहता था, और मतलब मैं उसके बारे में बहुत सोचता था, लेकिन एक रियल लव था। अब आप बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो भाई वो रियल लव था, तो देखो भाई रियल लव क्या था कि उस इंसान को पता था कि मैं उसको लाइक करता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे होता है ना एक हमेशा सामने वाले को इंप्रेस करते रहना, मैं बहुत सामने वाले को इंप्रेस करते रहना, मैं बहुत बता रहा हूँ मतलब कि सच्चाई है, कोई छुपा नहीं हूँ, ये सबके साथ होता है, तुम लोग भी कुछ ना कुछ तो ऐसे हो गए, समझे। हाँ, तो वो क्या करते हैं जैसे मतलब होता है ना, हम कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाले को कैसे इंप्रेस किया जाए, कुछ ना कुछ हम मौके ढूंढते रहते हैं, तो मैं भी ऐसे मौके ढूंढता रहता था। तो हम क्या कहते हैं कि उस लेवल पे आ चुके थे जिस लेवल पे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं थी कि भाई देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि देखो नहीं यार मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लाइक दैट, हम इस लेवल पे आ चुके थे। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा मैंने कभी भी उस इंसान के सामने ये नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जबकि उसको पता था मेरी बॉडी लैंग्वेज से, उसको पता था कि हाँ क्या अनका मेरे को पसंद करता है, लाइक दैट, लेकिन मैंने कभी भी उस इंसान को ये बात नहीं बोली। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं बोली, क्या आप डरते थे ये वो, लाइक दैट, नहीं। हुआ ये कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी मेरी ये व्यक्तिगत साइकोलॉजी है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, और यही चीज शायद तुम्हारे काम आए, इसीलिए मैं तुम्हें ये कहानी सुनाना चाहता था, अदरवाइज मैं तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाता, ठीक है। हाँ, तो यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई है। मैंने उसको क्यों नहीं प्रपोज किया, जबकि उसको पता है कि अमिताभ हमेशा मुझे इन्वेस्ट करने के लिए एफर्ट करता है, मुझे पसंद करता है, और नो डाउट मेरे को लेकर सीरियस है, ऐसा नहीं है कि वो कोई टाइम पास हो, ये वो नथिंग। हाँ, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ कल को अगर वो मेरा लाइफ पार्टनर बन जाता है तो क्या मैं उसकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता हूँ, क्या मैं उसको वो लाइफ स्टाइल दे सकता हूँ जिसके लिए सामने वाला डिजर्व करता है। मेरे अंदर से आवाज आती थी अभी तो नहीं, क्यों, क्योंकि मैं उस समय एक स्ट्रगलिंग फेज में था, बात समझ में आ रही है, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर क्या कहते हैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, और वो इंसान ही क्या जो हमेशा अपने लिए जीता है। जीने का असली मजा कब आता है, जब आप अपने फैमिली के लिए जियो, जब आप दूसरों के लिए जियो, क्या खुद के लिए जिए, खुद के लिए बने, खुद के लिए मर जाए, कोई मतलब थोड़ी ना होगी, लाइफ थोड़ी ना होगी। तो बाय द एंड समथिंग इज दिस, हुआ क्या मेरे अंदर ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता था कि जिस इंसान की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, हाँ लेना चाहता हूँ, जिस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ, क्या मैं अभी इस लायक हूँ कि मैं उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। और इसी सोच में टाइम बीतता गया, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, मैं कोशिश करता रहा कि कुछ बात बन जाए बन जाए बन जाए। मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी फैमिली को लेकर, मेरे फादर जो है ना, हमारी मेडिकल हिस्ट्री बहुत बुरी रही है, बहुत ही खराब रही है, बहुत ही खराब, मेरी भी बहुत बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तभी मैंने एक वीडियो निकाला है यूट्यूब पर, पड़ा हुआ है, अगर तुम लोग कभी देखना चाहो तो देखना, उसमें मैंने अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें बताया है। तो मेरे फादर की भी बहुत ज्यादा मतलब सही स्थिति नहीं थी, वो बेड रिटेन हो गए थे, लंग्स ऑल ऑफ सडन खराब हो गए थे, और उस वजह से वो मतलब बेड रिटेन रहते थे, बेड पे ही रहते थे, चलने फिरने में उनको सांस में, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं सेल्फिश नहीं हो सकता कि मैं अपने कैरियर को बुला दूँ, मैं सारी चीज़ों को भूल जाऊँ, और मैं ये पागलों की तरह दिमागों की तरह दौड़ा घूमता रहूँ, नॉट पॉसिबल। हो सकता है लोग मुझे सेल्फिश कहें, कहने को, लेकिन मुझे पता था ना कि मेरी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे पाल पोस करके 25 साल तक रखा, उस समय मैं 24-25 साल का था, 25-26 साल का, क्या 26 साल का, मेरा ये आप सबसे क्वेश्चन है, क्या 26 साल का प्यार जो पेरेंट्स हमें दे रहे, मेरे को मेरे पापा मम्मी ने दिया, मेरे पिता मेरे माता पिता ने दिया, क्या वो 26 साल का प्यार इतना कम था कि मैं कल के आए हुए 2 या 3 साल के प्यार के लिए वो 26 साल का प्यार भुला देता, और मैं अपना सब कुछ कैरियर वैरियर छोड़ के नाम लगा के हमें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता। नहीं, मेरी अंतर आपका हमेशा ये कहती थी, नहीं गलत, जब तक तू कुछ बनेगा नहीं, जब तक तू कुछ बनेगा नहीं, तब तक तू रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा नहीं। और इसी तरह का वक्त गुजरता गया, और एक दिन वो आ गया जब मेरे को जॉब मिल गई, बड़े इंस्टीट्यूट में मेरी फैमिली, ठीक है, उस समय का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, कोटा था, आज तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही ऑलमोस्ट खत्म होता है, उस समय का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और मेरे को फाइनली उसने जॉब मिली एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी। अब आपको यहाँ पे चलते हो सकता है थोड़ा दिल भी लगे, मेरे तो भाई, लेकिन सच्चाई तो यही है, जिस दिन मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, जॉब मुझे मिली, मैंने तुरंत फोन मिलाया, मैं इंगेज आया था, एक्चुअल में फोन वहाँ से आ रहा था, उसने मुझे फोन मिलाया और उसने बोला अमिताभ मेरी मैरिज फिक्स हो, तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा शायद मजाक चल रहा होगा, मैंने सीरियसली नहीं लिया, बट वो मामला सीरियस था, मैरिज फिक्स हो गई थी, क्या कहना चाहिए था, फिर इस साइड में जाकर घर के बाहर खड़ा हो जाऊँ, नहीं, इंसान को अपनी डिग्निटी मेंटेन, मैं कह रहा हूँ ना इंसान को मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए जियो, ये देखो कि आपके साथ कितने लोगों का रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, कितने लोगों का मान सम्मान आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत हंस के बहुत पोलाइटली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, और मेरे मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, ऑल द बेस्ट, और मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरी फला फला जगह जॉब लगती है, मैंने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, चुप रहा, मैं साइलेंट रहा, और मैंने उस चीज को जाने दिया। वैसे आपको लगेगा कितनी आसानी से जाने दिया, और इसका मतलब टूर में नहीं, मैं टूर में था अपने पापा मम्मी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना था, मैं अपना कैरियर नहीं एक्सपॉइल कर सकता था, बर्बाद नहीं कर सकता था। बात इंसान अपने लिए नहीं जीता है बेटा, अपनी फैमिली के लिए भी सोचना पड़ता है, उनके लिए सोचना पड़ता है जिसके
लिए आप जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको इस लाइफ बनाया, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके। और मैंने उस चीज को खुशी खुशी जाने दिया आपकी लाइफ। मैं कोशिश करता तो शायद आप बन सकती है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मिले जो ना मिला या जो मिले, ठीक है, तो जो मिले वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा थी। और जो नहीं मिला वो भी अच्छा है, मान के चलो कि उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं थी। तो मुझे आज जो लाइफ पार्टनर मिला है उसने मेरे बुरे वक्त में इतना अच्छा साथ दिया है कि शायद ही ऐसा कोई किसी का साथ देता। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो इंसान मुझे मिला वो ऐसा मिला। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समरी क्या निकलती है? समरी ये निकलती है कि समय आने पर सारी चीजें अपने आप होती रहती हैं। आप सिर्फ अपने कर्म करिए, जिंदगी को अपनी तरह से जबरदस्ती जीने की कोशिश मत करिए। लाइफ ट्रैक से उतर सकती है, आप भटक सकते हैं, गाड़ी बिगड़ हो सकती है। तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो सही और गलत चीजों को समझने की कोशिश करिए। बात समझ में आ रही है? और अगर आप बाकी किसी चीज को लेकर सीरियस हैं, किसी भी इंसान को लेकर सीरियस हैं, तो अपने आप से पूछिए क्या आप उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है या ये सब ओनली फॉर फन है। तो आपको अंतरात्मा से जवाब मिल जाएगा अपने आप। तो बड़ा कैरियर बहुत बड़ी चीज होती है, फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, उनके आगे सारी चीजें छोटी पड़ जाती है, सारी चीजें। तो बस इतनी सी कहानी थी, गॉड नोस बेटर आपको पसंद आई नहीं आई, आई डोंट नो, बट जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो मिलते हैं भाई सच्चाई के साथ। ठीक है, अगले टर्न पर, नेक्स्ट टर्न पर, यानी कि